राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर कांग्रेस, बीजेपी और बीएसपी सारी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगी हुई हैं। राजस्थान में चुनाव प्रचार औपचारिक रूप से शुरू हो चुके हैं। वहीं सीएम अशोक गहलोत जनता को डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचाने वाली घोषणा कर चुनाव को लेकर कमर कस चुके हैं। कुल मिलाकर देखें तो दोनों पार्टियां अपने अपने हिसाब से मुद्दे तलाश कर राजस्थान का विधानसभा चुनाव जीतने के प्रयास में जुट गई। वहीं मायावती भी कम नहीं है। इस बार वो भी राजस्थान में फूक फूक कर कदम रख रही। इस बार राजस्थान की कमान संभालने के लिए मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को चेहरा बनाया है। वहीं पिछले चुनाव की बात करें तो 6 सीटें जीतने वाली बीएसपी इस बार कुछ खास प्रभाव छोड़ने के लिए चुनाव से 6 महीने पहले ही राज्य में सक्रिय हो गई है, क्योंकि बसपा को राजस्थान में 2 बार धोखा मिल चुका है। 2018 के विधानसभा चुनाव में पार्टी के 6 विधायक जीत कर आए थे। वहीं पार्टी को भरतपुर और अलवर में 2 और झुंझुनू व करौली जिले में 1-1 सीट पर जीत मिली थी, लेकिन सभी विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए और अशोक गहलोत का समर्थन दे दिया। इससे पहले भी 2009 में बसपा के 6 विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए थे। दोनों बार बसपा विधायकों के दम पर ही सरकार बनी। यही वजह है कि इस बार पार्टी कोई रिस्क नहीं लेगी और चुनाव से 5 महीने पहले ही बसपा राज्य में सक्रिय हो गई है। आपको बता दें कि आकाश आनंद मायावती के छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे हैं। वे इस समय पार्टी में 2 की पोजीशन है। वहीं देखा जाए तो राजस्थान में इस बार बीजेपी और कांग्रेस के अलावा कई दूसरे प्लेयर भी मैदान में हैं। सचिन पायलट की अलग दिशा हो सकती है। हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी अपनी संभावनाएं देख रही है। ऐसे में बिखरे वोट बैंक को देखते हुए हर बार करीब आधा दर्जन सीटें जीतने वाली बसपा इस बार भी खास प्लान बनाकर 6 महीने पहले की तैयारी में लग गई है। पार्टी अब तक भरतपुर, अलवर, करौली, झुंझुनू में अपनी जीत दर्ज कर चुकी है। इस बार भी पार्टी को कई सीटों पर जीत की उम्मीद है, लेकिन इस जीत की उम्मीद में पानी फेरने वाले बहुत हैं। एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ कांग्रेस। बता दें कि कांग्रेस अपना पूरा दम लगा रही है। भले ही पार्टी में अभी भी गीले शिकवे चल रहे हैं, लेकिन सारा ध्यान, सारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ चुनाव की तरफ है। लेकिन कांग्रेस की राह जितनी अभी आसान दिख रही है, शायद इससे कई ज्यादा मुश्किल होने वाली है, क्योंकि अभी भी सचिन पायलट और गहलोत के बीच टकरार देखने को लगातार मिल रही है।